बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर में आते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं। हालेलुया, हम कौन बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। आप इस समय धर्मी हैं। धार्मिकता की परिभाषा क्या है? खरा चरित्र, खरी चाल, निरंतर प्रार्थना और परमेश्वर का भय, ये चार चीजें आपको धार्मिकता की ओर लेके जाती हैं। ये चार चीजें आपको धर्मी बनाती हैं। और आप अगर धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, तो बाइबल कहती है, वचन कहता है कि उसकी आत्मा आपके साथ रहती है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आत्मा आपको बुद्धि देती है, उसकी आत्मा आपको समझ देती है, और उसकी आत्मा ही आपकी अगुवाई करती है। हालेलुया। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि हमें अपने शब्दों का सही तरीके से हम उसको कैसे यूज करें। कई बार जल्दबाजी में हम कुछ भी बोल जाते हैं और हम अपने ही नुकसान का कारण बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक धर्मी का अधर्म पता क्या है? अपनी गलतियों को ना मानना। हम सिद्ध नहीं है, हम गलती कर सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलतियों को मानना धार्मिकता है, अपनी गलतियों को ना मानना अधर्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमें ठीक करता है और पवित्रता के रास्ते पर हमको लेके चलता है। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो हमने गलत किया है, तो परमेश्वर हमको ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने हमको एक अपनी इच्छा का वरदान दिया है, सेल्फ, मेरी इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको कठपुतली नहीं बनाता है कि तुमको यही करना है, नहीं। परमेश्वर ने स्व इच्छा का वरदान कि आपकी इच्छा क्या है। इसलिए जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, वचन क्या कहता है? जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ और जाति जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास करे वो अनंत काल का जीवन पाएगा, जो विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा, उसको बपतिस्मा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यानी कि हमारे पास क्या है? स्व इच्छा का वरदान। हमें अपनी इच्छा परमेश्वर ने दी है, हमें परमेश्वर बहुत मान देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से जैसे आदम ने पाप किया, उसने स्वीकारा नहीं, अपनी गलती को नहीं स्वीकारा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझसे गलती हो गई है। अगर वो एक्सेप्ट करता तो परमेश्वर माफ कर देता। उसने दोष लगाया और सीधा परमेश्वर पर दोष लगाया कि तूने जो मुझे औरत दी है, उस औरत की वजह से मैंने ये फल खाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें। जरूरी है कि हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। हम आज क्या बात करने वाले हैं, हम कैसे अपना धंधा चला रहे हैं, कैसे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, कैसे अपनी नौकरी में जा रहे हैं, बहुत जरूरी है। हमारा एक एक दिन का एक एक पल, परमेश्वर हर चीज को देखता है, जांचता है। हालेलुया। लेकिन हमें सावधान रहना है अपनी बोली के लिए, अपने चाल चलन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मैं चाह रहा था, आज परमेश्वर से मांग रहा था कि मैं आज क्या बोलूं, तो परमेश्वर ने मेरे मन में यह डाला कि मैं, हमसे जो गलतियां हो जाती हैं हमें पता ही नहीं है, हम समझते हैं कि गलतियां हमसे नहीं हुई है। कई बार हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हमारे स्वभाव में हम कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, किसी के बीच में बोल देते हैं,
हमें बोलने के लिए नहीं कहा है, हमारी राय किसी ने नहीं मांगी है, लेकिन हम अपनी राय दे देते हैं, एक स्वभाव है, लेकिन वो गलत साबित होता है। उससे आप परीक्षा में आते हैं, आजमाइश में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपकी परीक्षा अगर आप ही के द्वारा हो तो कितनी गलत बात है, शैतान कैसे काम करेगा। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 3:12-13 देखिए, हम वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:12-13 पढ़िए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। Amen. हमारे मन में अविश्वास आना ही नहीं चाहिए। अविश्वास हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है दूसरा पत्रस पहले का पहला क्या कहता है, कि परमेश्वर ने हमको विश्वास का वरदान दिया है। जैसे विश्वास का वरदान पत्रस को और पौलुस को मिला था, वही विश्वास का वरदान परमेश्वर ने हमको दिया है। दूसरा पत्रस 1:1 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने जब हमें बचाया, हमें छुड़ाया, हमें पापों शापों से मुक्त किया, तो उसने क्या दिया हमें, विश्वास का वरदान, ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। हमें प्रभु में बने रहना है। कौन दूर कर रहा है आपको, वचन क्या कहता है, कि आपका अविश्वास, आपका दुष्ट मन। हालेलुया। वो आपको परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए 13वां वचन क्या कहता है, जब तक आज का दिन कहलाता है तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। रोज हमें यह आज्ञा है परमेश्वर की, नए नियम की आज्ञा है कि हमें रोज एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे जो निर्बल है उसको उठाना है, कोई गिर गया है हमें उसको उठाना है। नए नियम का सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर क्या देता है, कि गिरो तो उठो, आप गिर गए हैं उठिए। एक बच्चा 6 महीने का 7 महीने का 8 महीने का चलता है, गिरता है, फिर उठता है, आप क्या बोलते हैं, उठो उठो उठो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो चलो तुम उठोगे, तुम चलोगे तुम चलोगे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप उसके गिरने पर उसे कहते हैं, अरे तू कभी नहीं चल सकता, ऐसा कहते हैं क्या। यही पिता है, परमेश्वर चाहता है आप उठें, आप गिर के उठें। परमेश्वर आपको उठाने के लिए अपना हाथ देता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सिद्ध नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, हम गिर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर उठने का बल होना चाहिए। नहीं, मुझे उठना है, मुझे सिद्धता की ओर बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो कई सिचुएशंस आपके अंदर ऐसी आएंगी कि आप उठ ही नहीं पाएंगे, आप कहेंगे नहीं। शैतान आपके मन में क्या डालेगा, बोझल के नहीं, अब नहीं, अब तू विश्वासी था, तूने पाप किया, अब तू आशीष नहीं पा सकता। नहीं, अगर आप अपनी गलती मान लें, अगर आप अपना पाप मान लें, पहला योना 1:9 क्या कहता है, प्रेज द लॉर्ड, पहला योना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Amen. अगर आप मान लें, हम नहीं मानते, शैतान हमारे अंदर कठोरता की आत्मा लेकर आता है। आप घर में होते हैं, अपनी पत्नी से आपने बात की, पत्नी से आपकी लड़ाई हुई। मैंने देखा ज्यादातर घरों में नहीं मानते, क्यों मानूं मैं, उसकी गलती थी, मेरी पत्नी ने ऐसा किया है, मेरे पति ने ऐसा किया, क्यों मानूं मैं। आप नहीं मानते, और आप नहीं मानते तो कौन काम करता है, शैतान काम करता है। अगर आप मान ले, उसी समय परमेश्वर माफ करेगा, वचन कहता है। आप नहीं मानते, मैं क्यों मानूं। प्रेज द लॉर्ड।
देखिए मानने में ही आशीष है, ना मानने में आशीष नहीं है। यीशु मसीह के दाहिनी और बाईं ओर दोनों चोर थे, एक ने माना वो स्वर्ग गया, एक ने नहीं माना वो नरक गया। मैं उदाहरण है, आप नहीं मानेंगे परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जो दाहिनी ओर चोर था उसने कहा यस मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है। दूसरे ने कहा नहीं, उसने कराया पाप, इसने कराया पाप, मैंने थोड़ी पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, क्या था वो चोर जो नर गया, उसके उसके विचार क्या थे कि नहीं नहीं यार, मैं जब छोटा था तो इस भाई ने मुझसे, इस बहन ने मुझसे, मेरी मजबूरी ने मुझसे पाप करवाया, इसलिए वो कहता कि अगर तू मसीह है तो मुझे उतार दे, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं पापी हूं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपके पाप कब दूर होंगे? जब आप एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते कि आप पापी हैं, मन नहीं फिराते हैं। आप जब तक मन नहीं फिराएंगे मेरे भाई मेरी बहन, आप उस पवित्रता के आशीष से दूर रहेंगे। जिस दिन आपने मन फिरा दिया वो पवित्रता का अभिषेक आप पर उतरेगा, और जब पवित्रता का अभिषेक आप पर उतरेगा ना, तब आप पाप नहीं कर सकते। आप पाप सुनेंगे आपको घबराहट होगी, कोई पाप का विचार आपके अंदर होगा तो घबराहट होगी, क्योंकि पवित्रता का अभिषेक आप पर उतरा हुआ है। आप कोई भी धंधा ऐसा नहीं कर सकते जिसमें कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, पाप नहीं कर सकते आप। इसलिए रोमियो का 6:14 लिखा हुआ है कि नए नियम, नई वाचा क्या है, उसका अनुग्रह क्या है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता। अगर आप मसीह हैं और आपने पूरी तरीके से मन फिराया हुआ है, आप कभी भी पाप नहीं कर सकते, पाप कर ही नहीं सकते आप। अगर आप मसीह होने के बाद पाप करते तो आपने मन नहीं फिराया। यशाया 50:4 पढ़िए, यशाया 50:4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। देखिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, जब आप प्रभु में आते हैं, जब आप परमेश्वर में समर्पित होते हैं, वो आपको क्या देता है, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, और इसी जो ये वरदान है उसके अनुसार ही आपको चलना है। ध्यान से और ऊंची आवाज में पढ़िए बेटा, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। हाँ। कि मैं थके हुए और अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आमीन। आगे, भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। आमीन। एक मिनट, प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है। आपको कौन सी जीभ दी है पता है क्या? शिष्य की जीभ, सीखने का मन दिया है। हमारे अंदर कभी भी ये घमंड नहीं आना चाहिए कि मुझे आता है, बहुत कुछ आता है, नहीं। एक सीखने का मन आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। बाइबल कहती है कि मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभाल सकूं। यही इब्रानियों 3:13 है कि हमें रोज एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। यही वचन यशाया 50:4 में है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। परमेश्वर से लेना है और शिष्य की जीभ के अनुसार देना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने शिष्य की जीभ दी है, आपको रोज सुबह उठाता है। आप समझिए, पहली प्रार्थना परमेश्वर से एनकाउंटर, परमेश्वर से मिलना है, आज का दर्शन परमेश्वर को देना है कि आज मैंने क्या करना है, मांगिए कि मुझे आज क्या है, आज का दर्शन क्या है मेरा। जब आप आज का संबंध परमेश्वर से बना लेंगे,
जब आप आज का संबंध परमेश्वर से पूरी तरीके से बना लेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तब आप उसकी योजनाओं को समझेंगे, तब आप समझेंगे। इब्राहिम को परमेश्वर ने लूत से अलग कर दिया। आमीन। लूत अगर होता तो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में काम नहीं होती। अब्राहम का भतीजा, लूत को इब्राहिम से अलग कर दिया। इब्राहिम जानता था, मनन करता था, समझता था, और उसने एक्सेप्ट किया, उसकी जुदाई को एक्सेप्ट किया। ओके, तुम जहां चाहो अपनी जमीन ले लो, खुद नहीं उसने कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चुना हुआ होता है वो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है। आमीन। यही आपकी हेलो, यही आपका चिन्ह है, चुनाव का चिन्ह है। जब इब्राहिम और लूत अलग हुए, आप डिफरेंस देखिए। 13:10 पढ़िए, उत्पत्ति 13:10, उसका 9 पढ़ लीजिए, 9 से पढ़ लीजिए। जैसे इब्राहिम ने कहा, तू जहां चाहे जा सकता है, तैयार हो गया वो, क्योंकि वो चुना हुआ नहीं था, ना ही उसने प्रार्थना की, ना कुछ किया। आमीन। जो शरीर के अभिलाषा थी, आंखों की लालसा थी, वो उसके सामने थी, और उसने देखा कि हाँ यार, ये यर्दन की जमीन अच्छी है यार, यहां ले लो, मौका है, अभी पैसा आ गया है। पहले जब मैं इब्राहिम के साथ घर से निकला था तो पैसा नहीं था, अभी मिस्र से बाहर आया, पैसा मेरे पास आ गया। ओके, अब मुझे जरूरत नहीं है इब्राहिम की। उसने आंख उठाई और देखा यर्दन की जमीन। उसने प्रार्थना नहीं, चुना हुआ नहीं था। चुना हुआ आदमी हर काम करने से पहले प्रार्थना में जाएगा। चुना हुआ आदमी हर काम से पहले समर्पित करेगा अपने आप को। हालेलुया। हर काम करने से पहले, अगर आप चुने हुए हैं, बिना परमेश्वर की इजाजत के आप कोई काम नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते आप। मैं घर से निकलने से हर काम, मैं वाइफ के संग सब्जी लेने जाता हूं तब भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं सब्जी लेने जा रहा हूं और जिससे लूं मैं उसके लिए आशीष का कारण बनूं, मेरी वजह से उसको आशीष मिले, मैं प्रार्थना करके जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जो जीवन है बहुत बहुमूल्य जीवन है, हमें कैसे गुजारना है परमेश्वर ने बताया हमको। उसने हमें शिष्य की जीभ दी है, सुनने के लिए कान दिए। उसने बताया है कि मैं रोज सुबह तेरे कान खोलता हूं ताकि तू समझ कि तुझे क्या करना है, तुझे कैसे रहना है। इन स्पाइट ऑफ दिस हम ये नहीं मांगते, हम सीधा मांगते कि आज मेरा बिजनेस अच्छा हो, आज मेरी इंक्रीमेंट बढ़ जाए। अरे आज मुझे कैसे रहना है, आज मुझे कैसे रहना है, आज मुझे अद्भुत जो मेरा आज का दिन आपने दिया है, एक दिन, उसको मुझे कैसे बिताना है। कोई नहीं मांगता है, बहुत कम मांगते होंगे। एक बहुमूल्य दिन मेरे जिंदगी में अटैच हो रहा है, मैं कैसे बिताऊं। मेरा आज के दिन में अगर मेरी एक गलती मुझे परमेश्वर से दूर कर देगी, मैन, ये डर होना चाहिए। अगर आप जैसे बीमार हैं, सर का दर्द है आपको, पेट का दर्द है, आप जब तक ठीक नहीं हो जाएगा बेचैन रहते हैं, गोलियां खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गोलियां खाएंगे ताकि मेरा पेट का दर्द, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाए। अरे मेरे अंदर गलत विचार आ रहा है, प्लीज उससे मुझे छुटकारा चाहिए, क्योंकि वो जो गलत विचार है वो मुझे प्रभु से दूर कर देगा। मेरे अंदर बेचैनी होनी चाहिए कि मेरे अंदर वो गलत विचार निकल जाए। भैया प्लीज प्लीज मेरे अंदर से वो धोखा निकल जाए, गलत भावना निकल जाए, क्योंकि ये चीजें मुझे परमेश्वर से दूर कर देंगी। अरे अगर प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए।
प्रेज द लॉर्ड. क्यों वो आपको शिष्य की जीव दे रहा है, क्यों वो सुबह आपको जगाता है, आपके कान खोलता है, ताकि आप उस जीवन को जी सकें, ताकि आप उन योजनाओं को समझ सकें, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को जान सकें. आमीन. उसके अनुसार हम चल सके. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, अपनी उपस्थिति में आपको चलाना चाहता है, याद रखिए. और उसकी उपस्थिति में रहने के लिए हमें चंद बातों का करना जरूरी है. बाइबल कहती है, देखिए इफिसियों, अगर आप प्रोवर्ब्स पढ़ेंगे, नीति वचन 13:3, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है. आमीन. जो अपने मुंह की चौकसी करता है, मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्यों बोलना है. अगर आप अपने मुंह की चौकसी नहीं करते, कभी भी कुछ बोल देते हैं, आप आजमाइश में आ जाएंगे. कई बार मैंने देखा है कि किन्हीं लोगों से, उनसे मशवरा नहीं मांगा जाता है कि आप बताइए आपकी क्या राय है, लेकिन फिर भी दे देते हैं, हमारी क्या राय है. अरे भाई, आप इसे मांगा ही नहीं है, आप क्यों दे रहे हैं अपनी राय. मांग लेते, क्योंकि आदत है कुछ भी बात बोलने का. इसी का देखिए 18:13 पढ़िए, नीति वचन. जो बिना बात सुने उत्तर देता है, जो बिना बात सुने उत्तर देता है, वो आजमाइश में आ जाता है. शैतान हमारे अंदर एक स्वभाव पैदा करता है. हम दुनिया के सामने अपने आप को विद्वान समझाना चाहते हैं कि देखो मैं इंटेलिजेंट हूं. दुनिया के सामने हम कोशिश करते हैं कि हम दुनिया जाने कि मैं इंटेलिजेंट हूं. इसलिए कभी कभी बिना बात सुने आप बोल देते हैं. हालेलुया. कब कौन सी बात बोलनी है, क्यों बोलना है, क्या बोलना है, वी हैव टू नो. इसलिए कम बोलिए, समझ के बोलिए, संभल कर बोलिए. आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो आपके जीवन को तय कर रहा है. आप जानते हैं? आपको नहीं पता जो आप बोलने वाले हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो आपकी नियति को, किस्मत को, आपके जीवन को रिप्रेजेंट करने वाला है. बोलिए बेटा 21:23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है. आमीन. विपत्ति से बचाता है. सोचिए, यानी कि वचन क्या कह रहा है, सुलेमान क्या कह रहा है, अगर आप मुंह को आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे और आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका प्राण घातक होगा, आपके प्राण को चोट लगेगी. इसलिए कुलुसियो 4:6 में क्या लिखा हुआ देखिए, तुम्हारा वचन यानी कि तुम्हारे मुख से निकला हुआ वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, प्यार भरा हो किसी के लिए भी, आपके अंदर से उद्भाव जो है अच्छे निकले. प्रेज़ द लॉर्ड. सलोना हो, अनुग्रहकारी हो. सामने वाले के जीवन में आप अनुग्रह लेके आए. किसी के लिए अगर आप आशीष का कारण बने, बिल्कुल जरूर है. किसी के काम आ सके, जरूर आइए. बाइबल में लिखा है प्रोत्साहित करिए एक दूसरे को, क्योंकि जो काम आपको आता है वो सामने वाले को नहीं आता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तो हमारी जो जीव है वो हमें सुख देने के लिए है, ना कि हमारी जो जीव है हमारे प्राण को घातक कर दे, क्योंकि हम अपनी जीव का गलत उसे इस्तेमाल कर रहे हैं. आपकी जीव मृत्यु और जीवन स्तुत करती है. नीति वचन 18:21 पढ़िए. नीति वचन 18:21 में साफ साफ लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा. आमीन. काम में लाना जानता है. सोचिए, आपकी जीव आपका अंग, लेकिन कई बार आप उसे काम में नहीं ला पाते. आमीन. छोटी सी बात, हम बहुत इसको अहमियत नहीं देते कि हम क्या बोल गए.
हमने किससे कैसी बात कर ली, लेकिन वो आपके प्राण घातक हो सकता है। कई बार आप अपने बंधन खुद लेकर आते हैं। कभी भी आप अपने बच्चों को शैतान मत कहिए। कई माएं देखी है मैंने, गुस्से में आकर अपने बच्चे को मारती हैं और कहती हैं तू शैतान का बच्चा है, तू कभी ठीक नहीं होगा, तेरा कभी अच्छा नहीं होगा। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा जब बच्चे होंगे तो। दैट इज रॉन्ग। गुस्से में निकल जाता है, लेकिन गलत है वो। यानी कि आप का बच्चा परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, लेकिन आप उसे शैतान का बच्चा कह रहे हैं। अगर आप ही कह रहे हैं तो शैतान आपके बच्चे के जीवन में काम कर सकता है। तू कभी नहीं सुधरेगा। इंसान पति के लिए कहता है, पत्नियां कहती है पति के लिए, कहती है आप कभी नहीं सुधरेंगे। कभी भी सुधर, परमेश्वर के हाथ, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन। कभी भी अपने बच्चे के लिए अच्छा ही कहिए कि मेरे बच्चे का अच्छा होगा, मेरे घर का अच्छा होगा, मेरे भविष्य का अच्छा होगा। अच्छा है, परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा, प्रार्थना करेगा। हम गलत विचार, गलत, इसीलिए भजन संहिता 139 का दूसरा कहता है कि वो विचार जो दूर से आ रहे हैं उन्हें तू जानता है। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जो विचार मेरे अंदर आकर मुझे दूषित करने वाले हैं, मुझे परीक्षा में डालने वाले हैं, प्लीज उन विचारों को मेरे अंदर मत आने दे। वचन कहता है, भजन संहिता 139 का दो पढ़िए बेटा। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हाँ। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। दूर ही से समझ लेता है, जो विचार मेरे अंदर नहीं आए उनको तू समझ लेता है। इसलिए प्लीज परमेश्वर, जो विचार मुझे अशुद्ध कर देंगे, जो विचार मेरे मुझे परीक्षा में डाल देंगे, आजमाइश में डाल देंगे, प्लीज ऐसे विचार मेरे अंदर ना आए प्लीज, क्योंकि तू उन्हें कंट्रोल कर सकता है, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मेरे अंदर ऐसी बुद्धि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू कर सकता है, ताकि ना गलत विचार आएंगे ना मेरी जबान से गलत बात निकलेगी। बहुत सतर्क रहना है, वी हैव टू अलर्ट बोलने से पहले। आप क्या बोलने वाले हैं, इसलिए आप अंगीकार नहीं कर पाते, उस गलती का अंगीकार नहीं कर पाते जो आपने की है। दाऊद ने किया था, दाऊद ने गलती की बहुत बड़ी, उसने व्यभिचार किया और हत्या की, लेकिन जब नातान नबी ने उसको समझाया तो वो समझ गया और उसने कहा ठीक है, इस गलती का एहसास मैं सरेआम करूंगा, और उसके लिए उसने भजन लिखा। साम 51 दूसरा तीसरा चौथा पढ़िए। साम 51 दूसरा तीसरा चौथा। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। हाँ। और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। आमेन। He accept कि मैंने पाप किया है। तीसरा वचन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। हाँ। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। आमेन। जब तक आप याद रखिए, अगर आप पूरी तरीके से अंगीकार नहीं करेंगे अपने पापों को, तो वो दोष की भावना आपके अंदर रहेगी और वो पाप आपके अंदर से नहीं निकलेगा। जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं, ये परमेश्वर का तरीका है, आपको अंगीकार करना पड़ेगा, यस मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर निकालेगा। इसलिए दाऊद को जब एहसास हुआ कि मुझे अंगीकार करना है, तो उसने बोला कि यस मैंने पाप किया। दोबारा पढ़ो बेटा। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। हाँ। और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे सम्मुख रहता है। जब तक आप अपने पापों को नहीं मानेंगे, आपका पाप आपके सम्मुख रहेगा।
अंगीकार करिए। क्यों अंगीकार करिए आपको पता है? क्योंकि आप जो भी पाप करते हैं, आप करते हैं कि मान लीजिए मैंने किसी दोस्त के विरुद्ध पाप किया, उसको मैंने धोखा दिया, तो आपके पास वजह है कि उसने भी मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने उसे धोखा दिया। मैंने उसको गाली दी क्योंकि उसने भी मुझे गाली दी, आपके पास होता है। लेकिन आपको पता है कि आप जो पाप करते हैं वो किसके विरुद्ध करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध। आपने अगर अपनी पत्नी को गाली दी तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। आपने अगर अपनी पत्नी से क्षमा नहीं मांगा तो आप परमेश्वर के विरुद्ध हैं। अगर आपने पति को माफ नहीं किया और पति को आपने झूठा आरोप लगाया, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। चौथा पढ़िए, देखिए, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू तो बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, बैतशेबा के संग मैंने धोखा दिया, उरिया उजिया उसका जो पति था उसको मरवाया, कैसे किया उसने पाप उजिया के जरूर? वो किसका संतान थी? परमेश्वर की। आपने परमेश्वर की संतान को मरवा डाला। परमेश्वर की योजनाएं थी उसके लिए, बहुत अच्छी योजनाएं थी। वो योजनाएं तुमने खत्म कर दी अपने सुख को पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। आप अगर किसी को धोखा देते हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध आपने पाप किया है, आप परमेश्वर के दुश्मन बन गए, आप परमेश्वर के सामने खड़े हो गए। क्या हम परमेश्वर का सामना कर सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे एक्सेप्टेड। पाप क्या है? एक्सेप्टेंस की जो भावना है वो खत्म कर देता है, इसलिए पाप बहुत बुरा है। एक्सेप्टेंस की भावना, जैसे आदम ने फल खाया वो अपने आप को अंजीर के पत्तों से छुपाने लगा कि मैं नंगा हूं, हवा कहती है मैं नंगी हूं। उस समय तक पति पत्नी बन चुके थे ना वो, हाँ के ना, पति पत्नी बन चुके थे ना, तो क्यों लजा रहे थे आपस में? आपस में एक दूसरे से क्यों लजा रहे थे कि हम एक दूसरे के सामने नंगे हैं? पति पत्नी है वो। पाप आपके अंदर दोष की भावना ऐसा डालता है कि आप पाप से कठोर हो जाते हैं। आप जब तक पाप आपके अंदर रहेगा, इसीलिए यीशु मसीह ने पूरी तरीके से आपको शुद्ध किया है ताकि पाप का एहसास भी आपके अंदर ना रहे। पाप का एहसास भी हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, तभी हम पवित्रता का वो आशीष प्राप्त करेंगे। इसलिए इब्रानियों 8:12 क्या कहता है? परमेश्वर की मैंने सारे तेरे पापों को माफ कर दिया है, अब मैं नहीं देखता हूं, मैं उन पापों को भूल गया हूं। परमेश्वर चाहता है, यीशु चाहता है कि हमारे अंदर से पाप का एहसास भी चला जाए। हमारे अंदर पाप का एहसास नहीं होना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि हम उसका अंगीकार करें। छोटे से छोटे विचार का भी अगर आपके अंदर आता है, किसी के लिए गलत विचार आता है, उसका अंगीकार करिए आप, उसके लिए माफी मांगिए आप। यस, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए भजन संहिता 19:12-13 क्या कहता है कि मेरे गुप्त पापों को माफ कर। भजन संहिता 19:12-13, हालेलुया। अपनी भूल चुको कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। आमीन। गुप्त पाप, जैसे आप किसी को बताते नहीं है, आप पाप करते हैं लेकिन आप अपने अंदर रख लेते हैं और आप सोचते हैं कौन देख रहा है यार,
कई चीजें आप 15% से ज्यादा चीजें आप अपनी पत्नी को भी नहीं बताते, अपने पति को भी नहीं बताते आप। मैं आपको बता रहा हूं 10 से 15% ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी पत्नी को अपने पति को भी नहीं बताते, नहीं बताते अपने गुप्त पाप, ऐसे पाप जो आपने अकेले में आपसे हो गए, आपके विचारों के द्वारा हो गए। आपने कुछ ऐसी चीज देखी जो आपके अंदर पाप बनकर वो ठहर गई, किसी को नहीं पता, आपको पता है। उनको भी अपने अंदर से निकालिए। इसलिए मती 6:6 कहता है कि उस गुप्त स्थान में अकेले आओ, उस दरवाजे को खोलो और अंदर जो गुप्त में मांगो परमेश्वर से, वो गुप्त में आपको आशीष देगा। मती 6:6 परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। Amen. तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। Amen. हो सकता है आपसे पाप हो गया हो। गुप्त के पापों को बहुत जल्दी निकालिए। गुप्त के पापों को अंदर, जो गुप्त में आपके पाप पड़े हुए हैं जिनको कोई नहीं जानता, आप करके भूल गए, लेकिन कभी कभी शैतान उन पापों को आपके सामने लाता है। मसीह बनने के बाद, पवित्रता का जीवन जीने के बाद वो आते हैं, क्योंकि आपने उनको अभी तक माना ही नहीं है, इसलिए वो अंदर हैं। निकाल के बाहर करिए उनको, नहीं करते सबके सामने, अकेले में जाइए पिता के पास, द्वार खोलिए, अपने दिल का द्वार खोलिए और जो एक पाप कोने में पड़ा हुआ उसको निकालिए प्रभु के सामने। अंगीकार करिए कि आपसे ब्लंडर हुआ था, एक बार मुझसे गलती हुई थी, एक्सेप्ट करिए, वो पाप निकल जाएगा जो गुप्त में है। फिर आपके अंदर दोष की भावना नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर जो दोष की भावना है वो आगे बढ़ने नहीं देती हमको, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर चाहता है कि ये बच्चे आगे बढ़े, हम एक क्लास से दूसरी क्लास जाएं, दो से तीसरे में जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हमें वचनों की समझ बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। आप रोज सुन रहे हैं और बढ़नी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कहीं ना कहीं शुद्धता नहीं है। इसलिए वो दसवां वचन क्या कहता है, 51 का 10वां भजन संहिता 51 का 10, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। शुद्धता आपके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि स्थिर आत्मा नहीं है, क्योंकि वह गुप्त पाप आपको सता रहा है। जो गुप्त पाप आपके अंदर है वो आपको सता रहा है, इसलिए आप शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं पूरी तरीके से। मूसा उस मोरे पर्वत पर परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर पाप था, डर था कि मैंने मारा है, मैंने एक इब्रानियों को, मैंने मिस्री को मारा है। इसलिए वो 40 साल तक अपनी पत्नी को भी उसने नहीं बताया कि उसका नाम मूसा है। पहली बार जब मोरे पर्वत पर परमेश्वर ने कहा मूसा, दो बार बुलाया मूसा तो हिल गया, अपने हाथ रख लिए उसने कि ये कौन जानता मेरा नाम, क्योंकि उसके अंदर वो जो पाप था जिसने निकाला नहीं अब तक था कि मैंने मिस्री को मारा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उससे अंत में कि जो तुझे पकड़ने वाले हैं वो मर चुके हैं। आमीन। उसके अंदर का डर परमेश्वर ने दूर किया। इतना डरा हुआ था मूसा कि अपने बच्चों का नाम भी गिरशोम, मैं यहां पर अजनबी हूं, एलीएजर का नाम। इन 40 साल उसने गुजार दिए बकरियों को चलाते चलाते, कुंवर था, राजकुमार था। आपका अंदरूनी पाप आपको
बहुत नीचे लेके जा सकता है। इसलिए अंदरूनी पाप को निकालिए। कोई बचपन में हुआ हो, कैसा भी पाप हुआ हो, बचपन में किसी ने कर दिया हो, प्लीज उसको निकालिए। मैं आजाद होना चाहता हूँ उस पाप से। अपने आप को आजाद करिए उस पाप से जो बचपन में हुआ था, जो आपने किया था। प्लीज मैं आपको सच कह रहा हूं, वो पाप जो है वो आपको रोके हुए, आपकी उन्नति नहीं हो पा रही, आपकी स्थिरता में नहीं आ पा रहे, आप सिद्ध नहीं हो पा रहे। वो पाप कहीं ना कहीं रोका हुआ आपको, उसको निकालिए, आप इमीडिएट निकालिए, परमेश्वर से मांगिए, अपने अधर्म को दूर करिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। समझ में आया आज का वचन? अच्छी तरीके से समझे? विश्वास करता हूं आपके अंदर का जो पाप है आज उसे निकालिए आप। प्लीज मैं आपसे नहीं पूछूंगा किसके अंदर पाप है किसके अंदर नहीं है, लेकिन है। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिसके अंदर गुप्त पाप अभी भी है, इसलिए प्रभु ने मुझे ये वचन आज बोलने के लिए कहा है। इसलिए निकालिए अपने आप से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।